नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकावै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकृतृभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च प्रतिदानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन वनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। ओं वृंदावई तुलसीदेवई प्रियावई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्यै नमो नमः। भक्ता विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरंगमध्यै कृपाधर शिवाशदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उमा दीदी एवं उपस्थित समस्त वैष्णव मेरा यथाजथा धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। काल हम लोग ने महाप्रभु की अत्यंत प्रिय परिकर श्रीवास जी ठाकुर जी के बारे में हम लोग श्रवण किया, भाव में डूबे रहते थे। गौर सुंदर के बिना अन्न नहीं जाने, इसे कहा जाता है एकांतिकी, कहा जाता है एकांतिकी निष्ठा। हाँ, इनके पंचतत्व में इनके भी नाम आते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। अपने को संतित कर देता है। तब वो महिला ने महिलाएं जो है स्त्रियाएं जो है अंतर्गृह में शिशक शिशक कर रोने लगे। सर्व अंतर्जामी गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन के कुछ समय के बाद श्रीवास जी के पूछा, तुम्हारे घर में कुछ ऐसे कुछ अमंगल हुई है? तो श्रीवास ठाकुर भी कैसे उत्तर दिए, प्रभु आप साक्षात मंगल की पुरुष है जहाँ पर आप नामी और ना तुम रोए ना कुछ किए। पुत्र किसको कहा जाता है? आत्मना जायते पुत्र कहा जाता है। संसार में सबसे प्रिय कौन होता है? पुत्र ही तो होता है। और ऐसे पुत्र चले गए और तुम ना मुझे कोई समाचार दिया ना तुम कुछ किया। आज ये महाप्रभु के प्रति कितने अनुराग तद नाम साक्षात में साहब उदित होगा, वो उससे कोई
चिंता नहीं है, नाम साहब में उदित होगा। वो जिस दिन हम एकांतिक रूप में नाम प्रभु के निकट समर्पित हो जाएंगे और नाम प्रभु स्वयं ही हमारी जिह में उदित होगा, जिहाभ्यम, उस समय भगवान के दृष्टि हमें कितने कान दीजिए, सैकड़ों, एक नहीं सैकड़ों क्या दीजिए, कान प्रदान कीजिए। क्योंकि भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि जो है श्रवण कीर्तन आदि उसमें इतने आनंद होता है, ये समस्त विचार दिखाया गया। मेरे कहने की तात्पर्य जो है श्रीवास ठाकुर किस प्रकार महाप्रभु की अंतरंग जन है, प्रियजन है, ये भी दिखाते जा रहे हैं। और दूसरी है, हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं किंतु यहाँ पर कह रहे क्या, अपने के देखो है, कैसे देखेंगे, अपराकृत इंद्रिय अपराकृत आंखों के द्वारा भगवान के दर्शन होते हैं, जड़ इंद्रियों के द्वारा जड़ वस्तु दिखाई पड़ता रहता है, यही तो सनातन को सही पाद महाप्रभु के निकट पूछा वेदांत दर्शन के द्वारा है, सनातन को सही पाद महाप्रभु के नहीं पूछा है ये भगवान कौन है, इसके बारे में नहीं पूछा, ब्रह्म के बारे में नहीं पूछा, के आमी मैं कौन हूँ, के आमी कैनो मोरे जारी तपत्र यह नहीं जानी कोई चे हित है, साधन साध तत्व बुझते न पारी कृपा करी सब तत्व कह तो अपनी, ब्रह्म जिज्ञासा कर अथ तदनंतर अथ ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में कहा है, वेदांत सूत्र में ही वर्णन होते जा रहे हैं किंतु भागवत में श्लोक में आ रहे हैं, अर्थात तो आत्म जिज्ञासा, पहले अपने के बारे में कुछ पूछे जी मैं कौन हूं, ये संसार है क्या चीज, तात्पर्य क्या है जी, हम अपने के बारे में हम जाने, ये भी मैं शरीर नहीं हूं, इसके बारे में तो बताते जा रहे हैं भक्तिशांत तो प्रभुपाद अनुभाष्य में इसको लिखते जा रहे हैं, गहरी विचार है जो बुद्धिमान व्यक्ति से उसको अनुशीलन करते हैं, गहरी विचार है इसमें, केवल एक ही शब्द वेदांत की सारे इसमें ही आ जाते जा रहे हैं, उसी वस्तु के जो है वो उठाते ऊपर से दिखते थे साधारण, आज तक सभी तो जानते हैं, अच्छा कौन नहीं जानते हैं ये मैं कौन हूँ, सभी तो प्रश्न कर सकते हैं, जैसे सनातन को सही प्रश्न किए बोले एक ही थोड़ी प्रश्न है कि आमी क्या नो मरे जारिता पत्र है, आपके पूछा जाए आप कौन हो, आप कौन है, शिष पर कैसे धारण आदि करते हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं है? बराहा पीड़न नट बर बपू, कैसे सुंदर नर्तन से श्रेष्ठ नर्तों के भांति है अपने त्रिभंग ललित होकर के कैसे वो चलते रहते हैं, अधूरों में कैसे सुंदर बंसी वादन करते हैं है? और एक आज कोई शाखाओं के ऊपर उस समस्त भाव होते जा रहे है और उसी की वर्णन होते जा रहे, विव्रत वकन वैजन तुम्हारा रंधान बेनो रथ पुरैन गोप वृंदई बृंदारण सपद प्राविशित गिरी कीर्ति, जब वृंदावन में
कृष्ण जब चलते हैं, विचरण करते हैं, कृष्ण की चरण कमलों के द्वारा वो कैसे सुंदर सुशोभित हो रहे, अर्थात कृष्ण की चरण कमल जहाँ पर छाप पड़ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमल की अर्चित कर रहे हैं रूप में, अथवा कृष्ण थोड़ी आगे चले जाने के बाद ब्रह्मा आदि देवता लोग उसकी चरण चिन्ह के जय अनेकों प्रकार सुगंधी पुष्प माल्य चंदन अगरु कुमकुम चतुर समूह के द्वारा अर्चन करते रहते हैं, ये भावना होती जाए ये वृद्ध पति कही या नहीं परमात्मा भगवान इति शब्दते है। जिस एक ही भगवान, एक ही जो है जो जैसे भावना रखते हैं उसी के निकट भगवान वो स्वरूप प्रकाश आदि कर रहे हैं, आज प्रतीत होते जा रहे, जिसके भावना जैसी है। तो उसी सभा में एक निराकारवादी ये मेरा भी पास आ जाए, मेरा एक समाचार दे दिया है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बोले आप अपने एड्रेस दे दीजिए तो भगवान को आपके पास भेज देता हूँ। जैसे प्रश्न होते हैं ऐसे उत्तर देना पड़ता है, भगवान को आपके पास भेज देता हूँ है। बोले आप अपने एड्रेस दे दो, तो वो एड्रेस दिया, कौन सा एड्रेस दिया, अपने घर का एड्रेस दिया है। आपका एड्रेस क्या है जिसको मैं आपके भगवान को आपके पास भेज दूं, भगवान आपके पास जाए। तो वो समझ गए एड्रेस क्या, किसका एड्रेस चाहिए, आत्मा का एड्रेस है। मैं कौन हूं इसलिए तो ये प्रश्न कर रहे हैं, समझ में आ रही कि नहीं। ये अपना एड्रेस क्या है, मैं जो आत्मा हूं मेरा स्वरूप है क्या चीज है कि जी जीवेर स्वरूप है। जब हमें अभिमान रहता है मैं सेवक हूं, मेरा सेव्य वस्तु के सेवा करना है। तो सेवा के सेवा भी कैसी होती है, संबंध के अनुसार सेवा है। कोई दास भाव से सेवा करते रहते हैं, कोई सख भाव में सेवा करते हैं, कोई वात्सल भाव में रसगत सेवा। भावगत तो क्या है, मेरे साथ क्या संबंध, क्या भाव है, उस भावों के अनुसार होता है। फिर रसमाधुर्य के अनुसार सेवा होते हैं, कोई दास रस से सेवा कर रहे हैं, कोई सख रस से सेवा कर रहे हैं। सखा सख भावे करे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ो लोग आमी तुम्ही सम है। जैसे वो क्या न जो असुर लोग जो है, असुर लोग उद्दंड करते इसलिए उसके दंड दे देते हैं। भगवान क्या करते हैं, हरि नाम हता, भगवान श्री हरि के द्वारा जो जीव मर जाता है भगवान उसको क्या करते हैं, उसके ऐसे स्थान पर भेज देते हैं, जाओ वहाँ पर पड़े रहो, क्या होकर पड़े रहो, जड़वत होकर पड़े रहो। इसके भी बहुत विचार है, ब्रह्म साजुज्य ईश्वर साजुज्य ये समस्त अनेकों प्रकार जो है विचार दिखा गया है। किंतु इसके मतलब नहीं है जे वो आत्मा की स्वरूपगत जो स्वरूपानंद वृत्ति वो नष्ट हो गया। इसलिए महा कह रहे जीवेर स्वरूप है कृष्ण, नित्य दास सेवा वृत्ति है। अति भक्ति रनुक्रमी है, देखो कितने सुंदर श्लोक है भागवत, कितने सुंदर श्लोक बताते जा रहे,
स्वयं भगवान कपिलदेव अपने माँ के सुना रहे, शतांग प्रसंगाद मम वीर संविदो। संसार में जितने भी उपाय बताए गए, अर्थात भगवत प्राप्ति के उपाय बताया गया, सब सर्वश्रेष्ठ और सरल उपाय क्या है, उसमें संशय है। अनेकों दिन तक, हजारों दिन तक, हजारों सालों तक विग्रह आदि सेवा आदि करें, चित्त शुद्धि हो अथवा नहीं, इसमें संशय है। उस श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक। कर्मान कर्माना भी अनेक दु, इसमें कोई गारंटी नहीं है जो उनकी चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि के बाद जो सत्संग प्राप्ति हो, ऐसी कोई गारंटी नहीं। किंतु स्वयं भगवान कहते हैं, मेरे जो ब्रजवती कथा जो है संत महात्मा की, और उसी साथ से कॉन्ट्रडिक्टरी श्लोक भी बता दिया, आचरण करे, आचरण न करे है? जिस प्रकार मूर्ख व्यक्ति है, यदि 20 पान कर ले तो मृत्यु होगा कि नहीं होगा, और वही 20 को किसने पान कर लिया, शिव जी ने पान कर लिया। ना उन्मुखात सुन्नाथ अनुसुन्ना, निरंतर सुन श्रवण करो अनुसन्नाथ, साधु मुखा सुन्नाथ, माने साधु के मुख से श्रवण करो अनुसुन्नाथ है। अनुसुन्नाथ के अब तो कैसे कितने अर्थ लगाते जा रहे हैं, अनु निरंतर है, श्रवणम कीर्तन आदि अनुगत्यमय श्रवण कीर्तन होना भी चाहिए। फिर अबर फिर कहते हैं श्रद्धा अन्नित, अन्नित माने युक्त, श्रद्धान्वित अनुसुन्नाद भक्ति परांग भगवती प्रतिलब्ध कामो, पराभक्ति उसमें प्रकट हो जाए, भक्ति परांग दिखाया गया, चित्त शुद्धि अनेक प्रकार दिखाया गया कि नहीं है, सम जम नियम आसन आदि अनेक प्रकार के जो है चित्त शुद्धि के लिए कहा गया, अष्टांग योग आदि के द्वारा दिखाया गया है। किंतु यहाँ पर कर दे चित्त अशुद्धि अवस्था में भगवत प्रेम, ऐसे उन्नत प्रेम कैसे प्राप्ति हो जाए है? यही कहते अचिंत शक्ति है, अचिंत शक्ति जिसे जिसके तर्क के द्वारा स्थापन नहीं कर सकते, अचिंत खोल लीजिए भावा तांस तर्क जित प्रकृति परिवर्तन अचिंत स लक्षण है। अचिंत जो वस्तु जो हमारी चिंता के अतीत कहा गया, इस जड़ जगत में अनेक अचिंत वस्तु है, जड़ जगत में अनेक अचिंत वस्तु है, क्या है बताओ है? है? ते अचिंत सब वस्तु केवल आंखों के द्वारा तर्क के द्वारा स्थापित नहीं होता है, तर्कात अप्रतिष्ठात, तर्क के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं कर सकते है? वो अपने ही स्वतस्फूर्त स्वाभाविक होता है, जो हम तर्क के द्वारा स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए अचिंत खोलो जी भावा स्तांस तर्क प्रकृति परिवर्तन अचिंत स लक्षण, और भगवत शक्ति वो अचिंत है, है? व्याधि क्या है, व्याधि समझते, रोग क्या है, बीमारी क्या है, काम रोग हित रोग काम रोग जिसको कहा जाता है, सबके जय कर सकते कि तो काम रोग के कौन जय कर सकता है, है? नारद ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े लोग भी, अरे संसार के जीव कौन सा खेती के मूली है भाई, कौन सा खेती के मूली हो बताओ, मूली जानते कि नहीं है?
आज समझ नहीं है, मूली है ना, मूली के जड़ ज़्यादा अंदर नहीं जाते, मिट्टी के नीचे जाते हैं, थोड़ा सा ऐसे पकड़ो उखड़ कर आ जाए, देखे कितने बड़े बड़े मूली होता है। सबसे खतरनाक रोग क्या है? काम रोग। और वही रोग के जीतने के